हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पीके सर, केमिस्ट्री सर वेलकमिंग यू टू द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ अगेन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर पार्ट टू में आपका जो एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11th का उसका पार्ट टू है ये। और पार्ट टू का एक चैप्टर है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, वैसे आप लोगों को पता होगा कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आप लोगों ने लर्न कर लिया है। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का जो पार्ट होता है ना उसी को कंटिन्यू करना होता है, बट आई डोंट नो व्हाई जो एनसीईआरटी है उसने थोड़ा सा इनको सेपरेशन कर दिया। मीन्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन वाले को तो दे दिया पार्ट वन में, और उसके बाद में जो है फिजिकल केमिस्ट्री के कुछ चैप्टर्स बीच में घुसा दिए हैं। ठीक है, दैट इज़ टोटली रॉन्ग, बट चलिए कोई बात नहीं, हमें उसी को कंटिन्यू करना है। मीन्स आपको इससे पहले, मीन्स इस चैप्टर को लर्न करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वो है आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स का जो क्लासिफिकेशन दिया हुआ है आपकी बुक के अंदर उसके बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है, सो राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एस ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो लेट्स बिगिन द जर्नी। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन। पहली बात, एस ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक का क्या मीनिंग है यहाँ पर? देखिए, एस ब्लॉक एलिमेंट का मीनिंग आप लोगों को याद होगा, हमारी जो पीरियोडिक टेबल है एमपीटी जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, उसके अंदर हमारे पास सो फार चार ब्लॉक हैं, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक, एस पी डी एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, इनका क्राइटेरिया क्या है कि व्हाई डू वी कॉल द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक और एलिमेंट्स ऑफ पी ब्लॉक और एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एंड एलिमेंट्स ऑफ एफ ब्लॉक, इसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है, व्हाट इज द क्राइटेरिया? करेक्ट, तो वो हमें पता होना चाहिए। देखिए, आप किसी एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लीजिए फर्स्ट बात करता हूँ ग्रुप वन की, ग्रुप फर्स्ट के मेम्बर्स की बात करें तो हाइड्रोजन है, देन लिथियम, देन सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीसीएम एंड फ्रांसियम। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 1, 3, 11, 19, 37, इसके बाद में देखिए तरीका क्या होता है 2, 8, 8, उसके बाद में 18। अब इसमें आपको करना है ऐड 18 अगेन, ठीक है, ये बन जाएगा आपका 55, और इसमें आप ऐड कर दीजिए 32, दैट इज बिकम्स 3087। ये होता है इनका एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 इसका होगा, 1s2 2s1 इसका होगा, 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, ऐसे ही आप इसका लिखेंगे तो इसका आएगा लास्ट में 4s1, इसका आएगा 5s1, इसका आएगा 6s1 और इसका आएगा 7s1। ठीक है, 7s1। इम्पोर्टेंट बात क्या देखी आपने कि जो लास्ट का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ जा रहा है, एस में जा रहा है, एस ऑर्बिटल में। ठीक है, सभी में लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है। ऐसे ही हम आपके पास एक और ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड ग्रुप नंबर टू। ग्रुप नंबर टू में एग्जांपल्स देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। एटॉमिक नंबर की बात करें तो एटॉमिक नंबर बेरिलियम के बाद में, लिथियम के बाद में आता है बेरिलियम, तो इसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 4। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, सोडियम का होता है 11, मैग्नीशियम का होगा 12, फिर इसके बाद में 20, इसके बाद में 38, इसके बाद में बेरियम किसके बाद में आता है 38, कैल्शियम के बाद में तो इसका हो जाएगा 56 और रेडॉन का हो जाएगा आपका 88। ये है आपके एटॉमिक नंबर्स, करेक्ट, ग्रुप नंबर टू के मेंबर्स के, ग्रुप नंबर टू के जो मेंबर्स हैं उनके एटॉमिक नंबर। इनके भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2, इसका होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, कितना हो गया 18 एंड 4s2। नेक्स्ट इसका जो भी होगा लेकिन लास्ट में आएगा 5s2, इसका बीच वाला मसाला आपको याद रखना है 6s2, इसका लास्ट वाला 7s2। इम्पोर्टेंट बात क्या देखिए आपने, लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 2s 3s 4s 5s 6s 7s, एस में जा रहा है। ठीक है, यानी
ये जो ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू के जो मेंबर्स हैं, ग्रुप नंबर वन और ग्रुप नंबर टू के जो मेंबर्स हैं, इनके अंदर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एस शब शेल में एंटर करता है, करेक्ट। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। इन एलिमेंट्स को एक नाम दिया गया पर्टिकुलर, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ एस ब्लॉक। ठीक है, ये तो हो गया इसका कारण, करेक्ट। अब एस ब्लॉक में कितने ग्रुप है, तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि एस ब्लॉक के अंदर दो ग्रुप हैं, ग्रुप नंबर वन एंड ग्रुप नंबर टू। ये भी बात सबको पता है। ग्रुप नंबर वन के मेंबर्स सारे मैंने यहाँ लिख दिए हैं। हाइड्रोजन जो है एक्चुअली उसको वैसे काउंट नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन इनके साथ ही को स्टडी करना है। स्टार्ट करते हैं लिथियम से, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम एंड फ्रांसियम। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा भी पूछा जा सकता है, नोबडी नोस व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू मे फेस इन द एग्जाम। सो आपको इनका सीक्वेंस पता होना चाहिए, कौन सी एलिमेंट के बाद कौन सा एलिमेंट आता है। तो उसके लिए या तो आप अपना कोई मेथड लगा लीजिए, कि कोई भी एक तरीका बना लीजिए, कोई ट्रिक बना लीजिए, शॉर्ट ट्रिक। तो मैंने जो बना रखी है, जैसे लीना ने कहा, के का मतलब कहा, रूबी कोई भी नाम, रूबी सजी फिरे, ठीक है। या कुछ लोग बोलते हैं लीना की रब से फरियाद, जो भी आपको अच्छा लगे आप याद रख लीजिए, लीना लीना की रब से फरियाद, ये भी आप याद रख सकते हैं। और मैंने जो बताया पहले वाला वो था लीना ने कहा रब रूबी सजी फिरे। कोई भी आप तरीका याद करने के लिए रख सकते हैं, आप अपना पर्सनल वो ट्रिक भी बना सकते हैं। तो ऐसे इनको ऑर्डर में भी आपको याद रखना होगा। इनकी बात करते हैं, इनकी बात करें तो ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। रेडियम दिस वन इज फ्रांसियम, दिस इज रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी, या बाप रोए, बात एक ही है। दूसरा तरीका, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी या बाप रोए। बी ए, बाप रोए, रेडो राजी या रोए, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो, बट कैसे भी करके आपको इनको याद रखना पड़ेगा, करेक्ट। ग्रुप नंबर वन के जो मेंबर्स होते हैं, ग्रुप नंबर वन के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। अब ये एल्कली वर्ड जो है, ये आप लोगों ने लर्न किया था क्लास टेंथ में आपने लर्न किया था। एल्कली वर्ड किसको बोला जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्कली, और इस टर्म का मीनिंग क्या होता है। एल्कली वर्ड यूज करते हैं हम जनरली those bases which are soluble in water। वाटर के अंदर जो सोल्यूबल होने वाले जो बेस होते हैं उनको हम बोलते हैं एल्कली, करेक्ट। those bases which are soluble in water, ये क्या कहते हैं, आर कॉल्ड एल्कलीस, एल्कलीस। अब यहाँ पर देखिए लिथियम की बात करें, मैंने बोला कि हाइड्रोजन को हमें सिर्फ इनके साथ में रखना है, इसके बारे में हम स्टडी कहीं और करते हैं, अलग से एक चैप्टर है। लिथियम की बात करें, लिथियम वाटर के साथ में रिएक्शन करेगा, लिथियम वाटर के साथ में रिएक्शन करके लिथियम का एक हाइड्रोक्साइड बनाता है, एंड दिस इज एक्वस, यानी कि वाटर सोल्यूबल है। सोडियम की बात करें, सोडियम भी ऐसा ही कुछ करता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, जो आप लोगों के लिए वेरी वेल नोन है। नेक्स्ट पोटेशियम की बात कर लीजिए, पोटेशियम भी वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और KOH का फॉर्मेशन करेगा, दैट इज ऑल्सो इन एक्वस स्टेट। यानी कि सभी के सभी, नॉट ओनली दीज थ्री एलिमेंट्स, ऑल दीज एग्जाम्पल्स दे रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड। और ये जो हाइड्रोक्साइड्स बनते हैं, इनका जो नेचर होता है वो होता है अल्कलाइन या बेसिक नेचर, ऑल दीज आर इन अल्कलाइन नेचर, करेक्ट, या इनका बेसिक नेचर होता है। दैट इज वाई ये जो ग्रुप है, इस फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स जो होते हैं उनको एल्कली मेटल्स कहा जाता है, दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर टू देखिए, ये क्वेश्चन के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं आपको कि वही ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स को एल्कली मेटल्स क्यों कहा जाता है। रीजन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है ये है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ मेटल्स। ग्रुप सेकंड के मेंबर्स जो होते हैं, ग्रुप सेकंड के जो मेंबर्स होते हैं उनको कॉमनली बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों बोलते हैं इनको ऐसा, क्यों, क्योंकि इनके जो ऑक्साइड्स और जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं, इनके ऑक्साइड का मतलब, अच्छा यहाँ पर आपको एक याद रखना है एक्सेप्शन, बेरिलियम,
बेरिलियम थोड़ा अलग टाइप का एग्जाम्पल है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यानी बेरिलियम के जो ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की कैटेगरी में नहीं कंसिडर करते हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं वो आगे हम जब बेरिलियम के बारे में इसके जो एनोमेलस प्रॉपर्टीज़ होती है उनके डिस्कशन करेंगे, दैट टाइम वी विल लर्न अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है। तो इनका जो नेचर होता है, इनको अल्कलाइन तो क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये जो ऑक्साइड्स होते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड है या मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड है या नेक्स्ट वाला कैल्शियम का ऑक्साइड या कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ओके, ये जो है ये सब के सब क्या होते हैं नेचर में, केमिकल नेचर होता है इनका अल्कलाइन, यानी कि बेसिक नेचर होता है, ठीक है। प्लस ये सभी ऑक्साइड्स जो होते हैं वो अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं। अर्थ की क्रस्ट क्या होती है, क्रस्ट का मतलब जैसे ये मान लीजिए आपका अर्थ है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा ज़रूर, क्लास 10 तक ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर पॉइंट है, ठीक है। तो अर्थ के सेंटर जो सरफेस होती है अर्थ की, उस सरफेस को हम बोलते हैं क्रस्ट, करेक्ट। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होती है, उस डिस्टेंस तक का जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्रस्ट, और उस क्रस्ट के बाद में एक और पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, अर्थ की क्रस्ट से लेके और ये जो पर्टिकुलर एरिया है उसको हम बोलते हैं मेंटल, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल, और जो सेंटर वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोर। ये आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, क्रस्ट मेंटल कोर, हम बात कर रहे हैं क्रस्ट की। यानी ये सारे के सारे जो ऑक्साइड्स होते हैं ना ये अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अर्थ की क्रस्ट में मिलते हैं इसलिए इनको अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए, एक इन्फॉर्मेशन आपकी बुक के अंदर गिवन है, एक इन्फॉर्मेशन आपकी बुक में गिवन है, उसको आपको लर्न नहीं करना है। क्या इन्फॉर्मेशन है, इनकी अबंडेंस या इनकी रिलेटिव क्वांटिटी के कौन कितना ज़्यादा मिलता है, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ज़रूर ये ज़रूर याद रखना है कि ये जो फ्रेंशियम है और यहाँ पर ये वाला जो रेडियम है, फ्रेंशियम 87 और रेडियम 88, ये दोनों ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है या आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे बोलेंगे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का मतलब होता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट जो अपने आप ही रेडिएशन को रिलीज करता रहता है, इट्स ऑन, ओके, उनको कोई फोर्स नहीं करता है, उसके ऊपर किसी फिजिकल फैक्टर का इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे जो एलिमेंट्स होते हैं जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रेडिएशंस को रिलीज करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं, दे आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। सबसे अच्छा एग्जांपल है यूरेनियम, ठीक है। यहाँ पर आपको फ्रेंशियम दिया हुआ है और यहाँ पर आपको रेडियम दिया हुआ है। जनरली, मैं सभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरली जो आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक जो हैं उनके जो लास्ट मेंबर होते हैं, सबसे नीचे नीचे वाले मेंबर अभी एट प्रेजेंट, वो सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो ये होगी बात यहाँ पे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, स्ट्रॉन्शियम को स्ट्रॉन्टियम मत बोलना, स्ट्रॉन्टियम नहीं बोला जाता है, दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रॉन्शियम, ठीक है। और ये सब जो होते हैं इनकी क्वांटिटी की बात होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो देख लिया, लेकिन क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, व्हाट इज़ द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो क्या होता है। देखिए सिंपल, ग्रुप नंबर वन के लिए, फर्स्ट ग्रुप के लिए NS1, N क्या है, मैक्सिमम, या जब सबसे बड़ी जो है, N क्या है, सबसे बड़ी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, NS1 में, NS1 का मतलब क्या है, S के अंदर वन इलेक्ट्रॉन होगा। ये तो हो गया ग्रुप फर्स्ट के लिए, और ऐसे ही हमारे पास सेकंड ग्रुप भी है। यहाँ पर सेकंड ग्रुप के लिए देखिए NS में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे NS2। बस यही है इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कोई एक्सेप्शन है नहीं, देर इज़ नो सच ए एक्सेप्शन, ठीक है। इस टाइप का यहाँ पर कोई भी एक एक्सप्रेशन एक्सेप्शन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये बातें आपको याद रहेगी, क्यों, क्योंकि इनमें कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें ऐसी कोई बड़ी बात हमने नहीं आपको बताई है जो कि आपको याद ना रहे, करेक्ट। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकेंड, इनके जो मेंबर्स होते हैं ना उनके अंदर एक तो लिथियम और एक इसका बेरिलियम, इनके साथ में एक
अच्छी बात क्या है, जो लिथियम होता है ये नेक्स्ट ग्रुप के सेकंड मेंबर के साथ, देखिए लिथियम फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर के साथ में कुछ सिमिलरिटीज शो करता है, कुछ सिमिलरिटीज शो करता है, ठीक है। ये लग तो आपको रहा है कि स्टेट है, लेकिन ये डायगोनल है, ये डायगोनल का मतलब इस टाइप में है थोड़ा सा, ठीक है। एक्चुअली इसको थोड़ा ऊपर बनाते तो अपन लिथियम जो है वो बेरिलियम के लेवल में आता, ठीक है, लेकिन हमने हाइड्रोजन को यहाँ इंक्लूड कर लिया, इसलिए एक डायगोनल रिलेशनशिप होता है जिसके अंदर क्या होता है, ये आपस में सिमिलरिटी शो करते हैं बिहेवियर में, प्रॉपर्टीज में, सिमिलरिटीज, और इस रिलेशनशिप को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। कौन कौन करता है, लिथियम करता है मैग्नीशियम के साथ, और बेरिलियम जो होता है, बेरिलियम जो करता है वो करता है आपका एल्यूमिनियम के साथ। अब एल्यूमिनियम कहाँ से आ गया, बात करेंगे हम ग्रुप नंबर 13 की, ग्रुप नंबर 13 के जो मेम्बर्स होते हैं बोरॉन, बोरॉन के बाद में एल्यूमिनियम, गैलियम, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। थोड़ा दिख नहीं रहा होगा तो, लेकिन आप लोग समझने की कोशिश कीजिए जो मैंने लिखा है। ग्रुप नंबर 13 के मेंबर्स बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो यहाँ पर जो बेरिलियम जो होता है वो एल्यूमिनियम के साथ में इस टाइप का डायगोनल रिलेशनशिप बनाता है, यानी कुछ नहीं है, इनकी और इनके आपस में प्रॉपर्टी जो है वो मैच करती है, प्रॉपर्टी वो क्या करती है, मैच करती है। तो इस रिलेशनशिप को बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप। एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोई एक एलिमेंट, दो ही तो है ऐसे एलिमेंट, एक तो है आपका लिथियम और दूसरा है आपका बेरिलियम, तो लिथियम जो है वो मैग्नीशियम के साथ और बेरिलियम जो है वो एल्यूमिनियम के साथ में ये रिलेशनशिप शो करता है। क्वेश्चन आपको कैसे भी करके फ्रेम करके बना सकता है, तो वो आपको याद रखना है। कारण पूछा जाए तो कि भाई ऐसा क्या है इनके साथ, तो कारण आपको याद रखना है, लिथियम सबको पता है कि फर्स्ट मेंबर है इस ग्रुप का, सबसे छोटा साइज होता है इसका, स्मॉल साइज या स्मॉलेस्ट साइज इस ग्रुप के अंदर बोल सकते हैं इसको। ऐसे ही सेम कंडीशन यहाँ पर बेरिलियम की भी है, बेरिलियम क्या है, छोटा है, स्मॉल साइज है उसका, तो एक रीज़न तो क्या हो गया यहाँ पर, साइज हो गया, कौन सा साइज, स्मॉल साइज। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड डायगोनल रिलेशनशिप, स्मॉल साइज है। दूसरा एक और आता है चार्ज रेडियस रेशियो, चार्ज रेडियस रेशियो वो क्या होता है, चार्ज रेडियस रेशियो का मतलब क्या है, चार्ज कितना और उसका रेडियस कितना, चार्ज रेडियस, चार्ज का स्पेलिंग चार्ज एंड रेडियस रेशियो, ये एक रेशियो होता है इनके लिए, तो उसके बारे में भी आपको याद रखना है, इनका रेशियो जो होता है उसकी वजह से ऐसा होता है, ठीक है। चलिए ये बातें भी आप लोग याद रख जाएंगे, दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए, अब आता है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट यानी कि कुछ इम्पोर्टेंट बातें। अब तक तो हमने जो डिस्कस किया है वो सब था इंट्रोडक्शन पार्ट, व्हाट वाज दैट इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ऑफ इम्पोर्टेंट कंटेंट वाला पार्ट। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड, दैट इज फॉर ग्रुप फर्स्ट इट इज NS1 एंड फॉर ग्रुप सेकंड इट इज NS2। अगर ओवरऑल बोलें कि S ब्लॉक के लिए क्या होगा, तो आपको याद रखना है NS1 2 2 का मतलब क्या है, एक या दो इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है। ओके, ये तो हो गया जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बताता है आपको, अगर आप किसी एक एग्जांपल की बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल बात करें इसकी, ये सोडियम है, मैं जो अभी बना रहा हूँ ये क्या है, सोडियम। ये एक रिप्रेजेंटेटिव तरीका होता है, मेथड होता है, जिसके हेल्प से आप किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। सोडियम की बात कर रहा हूँ मैं, और सोडियम जो है उसके पास में ये दो इलेक्ट्रॉन होगा इसका फर्स्ट सेल में, और इसका जो आउटर मोस्ट सेल जो होगा उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा, ये लोग आपको पता होना ही चाहिए, 3, 3, 6, 7, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बना दिए, 8 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे ऑक्टेट रूल की, तो सोडियम की बात करें या किसी भी मेंबर की बात कर लीजिए, ग्रुप फर्स्ट के लिए, ग्रुप फर्स्ट का कोई भी मेंबर जो है उसकी बात कर लीजिए, तो सभी मेंबर्स ग्रुप फर्स्ट के या ग्रुप सेकंड के वो मेटल हैं, कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाइड्रोजन क्या है, उसको हम इंक्लूड ही नहीं करते हैं ग्रुप फर्स्ट में, तो इसलिए उसकी बात नहीं करेंगे।
तो हाइड्रोजन बेचारा कहाँ जाएगा? तो हाइड्रोजन का कोई पोजीशन फिक्स नहीं है इवन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो फिर सोडियम की बात करें, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। अगर हम ऑक्टेट रूल की बात करें तो ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर किसी एलिमेंट के पास आउटर मोस्ट शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो या उसका जो नियर बाई नॉबल गैस के जैसा अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन हो तो वो एलिमेंट जो है वो स्टेबल माना जाता है, दैट इज़ केमिकली इनर्ट, उसका केमिकल रिएक्टिविटी बहुत बहुत कम होता है। बेचारा सोडियम जो है उसके पास आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्यों ना ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का मतलब क्या हो जाएगा, अब इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना बच गया, 2 8, आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है, खुश, बहुत ज़्यादा खुश। क्यों? क्योंकि अब उसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया। ऐसा हम बात सभी के लिए कर सकते हैं। तो इन जनरल अगर हम सभी एलिमेंट्स को एम से शो करें तो वहाँ पर उनका वैलेंसी क्या आएगा, +1। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ मेटल्स की होती है। मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन जो है वो इजीली डोनेट कर देती है, रेडिली जो है लूज कर देती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो सब तैयार बैठे हैं, ये कौन, ग्रुप फर्स्ट के मेंबर्स, ये तो तैयार बैठे हैं एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, और इनको मौका मिलते ही ये इलेक्ट्रॉन दे देंगे और स्टेबिलिटी में आ जाएंगे। इसका मतलब कि जितने भी जो ये मेटल्स हैं ये कभी भी आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे नेचर में। इनकी जो फ्री स्टेट का मतलब अनकम्बाइंड, किसी के साथ कॉम्बिनेशन के बिना, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। ये हमेशा ही किसी ना किसी दूसरे एलिमेंट के साथ रिएक्शन करके कोई ना कोई कंपाउंड बना ही लेंगे। तो ये याद रखिएगा, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एक तो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव जो वर्ड होता है वो यूज़ करते हैं हम जनरली नॉन मेटल्स के लिए, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव वर्ड यूज़ करते हैं हम मेटल्स के लिए या आपके जो ये एस ब्लॉक और डी ब्लॉक या एफ ब्लॉक के मेटल्स के लिए, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन की बात करें। देखिए, एक कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, समटाइम यू हैव ऑब्जर्व ए डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको कभी कभी ऐसा लिखा हुआ दिखता है लिथियम का, है ना, ऐसा लिखा हुआ दिखता है। ये क्या है, ये हीलियम कहाँ से घुसा दिया इसके अंदर? तो ध्यान रखिएगा, हीलियम का मतलब होता है इस लिथियम से आने वाली जो फर्स्ट गैस होगी, जो फर्स्ट इनर्ट गैस होगी ना, वो यहाँ तक का उसको एक शॉर्ट तरीका है ये, ठीक है। इतना लंबा कौन लिखेगा, लंबा क्यों लिखने की जरूरत पड़ती है? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सोडियम की बात करें, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन आएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3s1, ठीक है, 3s1। अब इतना लंबा लिखना पड़ेगा। एक दूसरा तरीका और देखिए, छोटा सा, इसके अंदर आप ऐसा लिखेंगे नियॉन और उसके बाद में आप लिख दीजिए 3s1। एक छोटा सा तरीका है। तो ये एक तरीका है जिसमें क्या करते हैं हम, एलिमेंट जो आप जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं उससे पहले वाला जो आपका नोबल गैस है उसको यहाँ लिख देंगे और उसके बाद में इसका आउटर मोस्ट शेल का जो है वो बता देंगे। दैट इज़ ऑल्सो ए वे टू राइट टू डिस्क्राइब टू एक्सप्रेस द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन। जनरली ये जो हायर एलिमेंट्स होते हैं उनके लिए ऐसा अप्लाई करते हैं। क्यों? लिथियम के लिए तो दो ही तो इलेक्ट्रॉन है, दो ही तो लिखना है, तीन इलेक्ट्रॉन को शो करना है, दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ओके, चलिए याद रखिएगा, ये भी ऐसा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि कोई भी तीन या चार एलिमेंट दे देगा और उनको बोलेगा कि अरेंज द फॉलोइंग मेटल्स इन डिक्रीजिंग, या तो आपको बोलेगा इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहाँ पर इसका मतलब है इंक्रीजिंग, और यहाँ पर अगर डाउनवर्ड एरो है और उसके आगे ing में लिख रहा हूँ तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटालिक कैरेक्टर। ऑल्दो इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं यही बता देता हूँ क्योंकि ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है। कौन कौन से मेटल्स हैं जिनको ये अरेंज करने के लिए बोल रहा है, तो ये आपको दे दिया मान लीजिए जैसे सीसीएम, फिर आपको बोलता है सोडियम, फिर आपको बोलता है ये सीजियम, फ्रेंशियम, रूबीडियम, और उसके बाद में बोलता है लिथियम। बोलता है कि इन सबको आपको अरेंज करना है किसके अंदर, इनका मेटालिक कैरेक्टर या मेटालिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे। तो कैसे करेंगे इसके लिए, क्या तरीका है? सभी के सभी तो ये मेटल है, लेकिन कोई तो कम होगा, कोई ज़्यादा होगा। मेटालिक कैरेक्टर का मतलब मेटालिक टेंडेंसी बोल दीजिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने का जो टेंडेंसी है, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन,
कौन सा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? ऑफ कोर्स आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाता है? जो न्यूक्लियस से ज़्यादा दूर होगा, न्यूक्लियस के जो बिल्कुल पास में है, उसको बाहर निकालना बहुत बहुत मुश्किल काम होता है। आपको क्या करना है, आपको इनका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट जो है वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। लिथियम, सोडियम, उसके बाद में रूबिडियम, पोटेशियम इज नॉट देयर, देन सीसीएम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम एंड देन इट इज सीजियम। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो क्या बता रहा था मैं, जैसे इन चार की बात कर रहे थे हम। पोटेशियम जो है इसमें नहीं गिवन है तो इसकी बात नहीं करेंगे हम। लिथियम, सोडियम, फिर रूबिडियम एंड सीजियम। यहाँ पर देखिए क्या होगा, अगर आपको पता हो तो इसके पास तो है दो सेल, इसके पास तीन सेल, चार सेल, पाँच सेल। शेल कौन सा है? सर्कुलर पाथ वाला। तो जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं तो सर्कुलर पाथ का जो है या जो शेल्स है उनका नंबर इंक्रीज कर रहा है। लिथियम की बात करें तो लिथियम के पास में तो सिर्फ दो ही है शेल, फर्स्ट और सेकंड। इसकी बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसी बनेगी। मैं इसका लिख देता हूँ सीसीएम। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, एक और बनना चाहिए ना इसका, ये सेवन। अब देखिए ये न्यूक्लियस यहाँ पर है सीजियम का अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन इतना दूर है, बहुत दूर है डिस्टेंस, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पास में ही है एकदम से। ये लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है इसको निकालना मुश्किल है, क्योंकि ये न्यूक्लियस इसको इतने आसानी से नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो बहुत दूर है, ये इजीली छूट जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजीली रिलीज हो जाएगा, करेक्ट। अगर ये इलेक्ट्रॉन इजीली रिलीज कर सकता है, इसका मीनिंग तो ये हो गया कि जो इस पीरियड इस ग्रुप के अंदर सबसे नीचे एलिमेंट होगा वो इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर है। इन द सेम वे यहाँ पर आप इनको अरेंज कर दीजिए इनके इस ऑर्डर में, सबसे नीचे नीचे जो आएगा वो सबसे अधिक रिएक्टिव होगा। अब यहाँ पर कोई भी लिख सकते हो आप, क्योंकि दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। सीजियम है सबसे ज़्यादा, उसके बाद में रूबिडियम, उसके बाद में सोडियम, और सबसे कम लिथियम। इसको वो रिवर्स भी कर सकते हो आप, लिथियम सबसे कम, फिर सोडियम, फिर रूबिडियम, और फिर सीसीएम, सीसीएम सीएस, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ये है डिक्रीसिंग ऑर्डर और ये है इंक्रीसिंग ऑर्डर। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो कैसा आता है, उसमें क्या लिखा हुआ है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अगर आपको वो याद रहेगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है इसके बाद में फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेक्स्ट वन इज एटॉमिक साइज, एटम का साइज। सिंपल सा आप देख सकते हैं, फर्स्ट जो एलिमेंट होगा, मैं फर्स्ट ग्रुप की बात कर लेता हूँ, ये है आपका लिथियम, ये है सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीसीएम एंड फ्रांसियम। ध्यान रखिएगा आपको इतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना है इनके नाम, इनके सीक्वेंस का, कि आपको कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपको तुरंत याद आना चाहिए कि लिथियम, लिथियम के बाद सोडियम आएगा आएगा, पोटेशियम आएगा, रूबिडियम आएगा, सीजियम आएगा, फ्रांसियम आएगा। तो जब आप इनका प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे ना तो ऑटोमेटिकली ये आपके टंग पे आ जाएंगे, करेक्ट, टिप्स पे आ जाएंगे। क्या होता है एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज का मतलब होता क्या है, सिंपल सा है, ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट जो शेल होता है, आउटर मोस्ट जो शेल होता है वहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है, दैट इज़ कॉल्ड साइज। आपको पता है यहाँ पर इसके पास में कितना शेल होगा, दो शेल, और नीचे वाला जो होगा उसके पास सेवन सेल्स होंगे इसकी तरह। तो साइज इंक्रीज हो रहा है, यानी कि किसी एक ग्रुप में, यह हमें पहले से भी पता है कि अल्कली जो मेटल्स होते हैं उनकी साइज पीरियड में बात करेंगे तो सबसे बड़ी होती है, और ग्रुप में अगर हम बात करते हैं किसी पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर, तो पर्टिकुलर ग्रुप में आपको याद रखना है कि ऊपर से नीचे जाएंगे तब, यानी कि डाउन द ग्रुप जब बोलते हैं जिसको हम, तो क्या होता है उसकी जो साइज होती है, एटम की साइज है वो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीज होती है, ठीक है, करेक्ट। तो अच्छा एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक तो न्यूट्रल मेटल एटम है और एक है उसका आयनिक स्टेट, कौन सा बड़ा होगा? तो ध्यान रखिएगा जो मोनोवेलेंट आयन होता है उसका साइज छोटा हो जाता है, किससे? उसके पैरेंट न्यूट्रल एटम से, ठीक है। तो चलिए डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज करता है, नीचे नीचे वाला एलिमेंट जो होगा किसी भी ग्रुप में उसका साइज सबसे बड़ा होगा किसी पर्टिकुलर ग्रुप में, और जो फर्स्ट मेंबर होगा उसका साइज सबसे छोटा होगा उस ग्रुप के बाकी मेंबर्स से। नेक्स्ट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी,
आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये जो पॉइंट है आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसके बारे में भी हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स उसके अंदर हम बात कर चुके हैं। आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है? आयन का बनना, आयन का बनना। आयन कब बनेगा? क्या मेटल्स इलेक्ट्रॉन लेना चाहेंगे? क्या मेटल्स का ये टेंडेंसी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन ले लें? ऐसा बहुत बहुत रेयर केस में होगा, लेकिन जनरली नहीं होगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी एटम में से कोई एटम जो कि गैसियस स्टेट में हो, न्यूट्रल हो और सिंगल एटम हो, उसके आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए जितना एनर्जी रिक्वायर होता है, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी का यूनिट याद रखना है किलो जूल पर मोल। तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा डाउन द ग्रुप? एक ही ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, तो ध्यान रखिएगा, रेडिली इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार बैठे हैं ये, करेक्ट। इसका मतलब ये है कि इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होता है कंपैरेटिवली, कंपैरेटिव किसे, कोई दूसरे और ग्रुप के मेंबर्स हैं, ठीक है। और एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो इस आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला एलिमेंट छोटा है, ये वाला जैसे लिथियम की बात करें, छोटा सा एलिमेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देने का मतलब ये है कि आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू भी ज़्यादा होगा। नीचे नीचे वाली की बात करें, सीजियम की या फ्रेंसियम की, बहुत बड़ा साइज़ है, एटम का साइज़ क्या है, बहुत बड़ा है, आपको इजीली इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इसका मतलब कम एनर्जी देनी पड़ेगी। कम एनर्जी देने का मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगा, करेक्ट, ये आपको याद रखना है, ओके। नेक्स्ट आता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? पॉइंट ये है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी होता क्या है, देखिए, हाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर के मॉलिक्यूल का ऐड होना किसी के साथ, किसी भी के साथ, यानी किसी का मतलब क्या है, सिंपल कोई मेटल की बात करेंगे हम यहाँ पर, हाइड्रेशन का मतलब होता है उसके साथ वाटर मॉलिक्यूल का ऐड होना, ठीक है। तो आपको याद रखना है हाइड्रेशन एंथैल्पी का डायरेक्ट ऑर्डर, लिथियम जो होता है, अच्छा हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब जब किसी एटम के साथ या किसी मेटल आयन के साथ जब वाटर का मॉलिक्यूल ऐड होगा तो एक बॉन्ड बनेगा, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो क्या करता है, एनर्जी को रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज करेगा, एंड दैट रिलीज ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसके लिए आपको याद रखना है कि आपको फर्स्ट ग्रुप के जो आयन्स होंगे मेटल्स के, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन, सीजियम आयन, फ्रेंसियम की बात नहीं करते हैं जनरली, क्यों? क्योंकि फ्रेंसियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडिएशन को रिलीज करते रहते हैं, इमिट करते रहते हैं, तो कौन रेडिएशन वाले के पास में जाएगा, क्यों? क्योंकि हमारा जो रेडिएशन है वो हमारी बॉडी पे हार्मफुल इफेक्ट करेगा और हम ख़त्म, कहानी, ठीक है, इसलिए हम इनकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पर भी आएगा, सेकेंड ग्रुप में भी आएगा, फर्स्ट ग्रुप में भी आएगा। सो द ऑर्डर फॉर हाइड्रेशन एंथैल्पी डिक्रीसेस विद इंक्रीज इन आयनिक साइज, लेकिन हमें तो ऐसा याद नहीं रहेगा, क्या बोल दिया, हमें तो याद रखना है कि जिसका साइज सबसे छोटा होगा उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होगा, करेक्ट। तो लिथियम जो है उसका सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन होता है, इसलिए उसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी भी सबसे ज़्यादा होती है, और यही कारण है कि लिथियम के जो कंपाउंड्स होते हैं, लिथियम के जो कंपाउंड्स यानी कि लिथियम जो सॉल्ट्स वगैरह बनाता है वो सब हाइड्रेटेड होते हैं, यानी कि उनके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल जरूर प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये है आपका लिथियम क्लोराइड Cl2, इसके साथ में वाटर के दो मॉलिक्यूल्स हमेशा प्रेजेंट रहते हैं, सो दैट इज़ वाई दिस इज द रीजन फॉर लिथियम। ओके, सो राइट नाउ दिस इज द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे, मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, कीप योरसेल्फ सेफ एंड बाय बाय।